तो क्या हालचाल भाई लोग, कैसे हो आप लोग? आज इस वीडियो के अंदर हम सब बातें करने वाले हैं दोस्त गैलेक्सी S21 FE के बारे में। हाँ, ये उसी गैलेक्सी S20 FE का सक्सेसर होने वाला है जो कि लास्ट ईयर इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया था और एक काफ़ी ज़्यादा मेजर हिट रहा था इंडिया के अंदर। लेकिन हाँ दोस्त, अब जहाँ तक बात आती है गैलेक्सी S21 FE की, तो जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो, इस बात के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि 11 अगस्त के अंदर लॉन्च होने वाले अनपैक्ड इवेंट के अंदर, जहाँ पे गैलेक्सी Z Flip 3 और Z Fold 3 लॉन्च होने वाले हैं, वहाँ पे ये फ़ोन भी आपको लॉन्च होता देखने को मिल जाए। तो इस वीडियो के अंदर हम सब इसी फोन के बारे में बातें करने वाले हैं। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो इस फोन के बारे में भाई जानने के लिए, तो स्टार्ट करते हैं फिर बिना कोई बकवास के जल्दी से इस वीडियो को। मैं हूं ऋषभ और आप लोग देख रहे हो ऋषभ टेक। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एक बात यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा कि सैमसंग की ये जो FE सीरीज है, उसका क्रेज यार अब इस हद तक बढ़ चुका है कि सैमसंग वाले इस बार नोट 21 को डिच कर रहे हैं FE सीरीज के लिए। और जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो, ये बात हम सब जानते हैं कि ग्लोबल लेवल पे अभी चिप शॉर्टेज चल रखी है जी। मतलब भाई फिर चाहे आप लोग बातें कर लो प्रोसेसर्स की, GPUs की, हार्ड डिस्क की, सारी चीज़ों की यहाँ पे बेसिकली शॉर्टेज हो रखी है। और इस वजह से कोई भी यहाँ पे कंपनी, आप लोगों ने भी इस बात को नोटिस किया होगा, खासकर 2021 के अंदर बेमतलब के काफ़ी सारे मॉडल्स नहीं लॉन्च कर रही हैं अपने फ़ोन की। और इस वजह से भी यहाँ पे गैलेक्सी नोट 21 हमें शायद इस साल लॉन्च होता देखने को ना मिले। खैर, हो सकता है कि सितंबर या फिर अक्टूबर के महीने पे सैमसंग कोई फ्लैक्सी फोन लॉन्च कर दे, लेकिन अगेन भाई गैलेक्सी नोट 21 के लॉन्च होने के चांसेस इस साल काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन हाँ, जहाँ तक बात ही आती है गैलेक्सी S21 FE के बारे में, तो जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो, सबसे पहली चीज जो इस फोन के बारे में निकल के आई है वह है ये लीक्ड इमेज, जिसकी वजह से ऑफकोर्स हमें सबसे पहली बार इस फोन का एक ऑफिशियल अच्छा सा लुक पता चला है। जिसकी वजह से ऑफकोर्स दोस्त, जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो, हमें ये बात पता चल जाता है कि ये फोन बैक साइड से और फ्रंट साइड से देखने के मामले में कैसा होने वाला है। और बैक साइड से जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ये ओरिजिनल गैलेक्सी S21 सीरीज जैसा ही काफ़ी कुछ आपको दिख रहा होगा। लेकिन एक काफ़ी कमाल की बात जो मुझे इस फोन के साथ नजर आ रही है, वो यहाँ पे ये है कि ये फोन बेसिकली एल्यूमिनियम के बिल्ड के साथ आएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं जो बेस वेरियंट था गैलेक्सी S21 का, वो पूरा का पूरा प्लास्टिक के बैक के साथ आता। तो हाँ भाई चलो, ये एक अच्छी बात है कि गैलेक्सी S21 के साथ आपको प्रीमियमनेस काफी कमाल की देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों, जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन के सामने इस फोन को फ्रंट साइड से देख पा रहे हो, इस फोन के साथ बेसिकली आपको 6.67 इंचेस की पंचोल कैमरा कटआउट वाली डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपको पैनल सुपर एमलेट वाला देखने को मिल जाएगा, जहां पे ऑफकोर्स आप लोगों को 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट का भी सपोर्ट देखने को मिल जाना चाहिए। बाकी हाँ भाई, एक और ऐसी जगह जहां पे आपको गैलेक्सी S20 FE के साथ कॉस्ट कटिंग देखने को मिलने वाली है, वह इस फोन के साथ मिलने वाले कैमरास। और जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो भाई, कैमरास के मामले में तो ये फोन काफी ज्यादा टियर डाउन वर्जन नजर आ जाएगा आपको, अगर मैं इसे ओरिजिनल गैलेक्सी S21 सीरीज से कंपेयर करूं तो। क्योंकि सबसे पहले यहां पे आपको वो सेंसर्स देखने को नहीं मिलेंगे जो कि हमने उन प्रीमियम गैलेक्सी S21 सीरीज के अंदर आने वाले फोन्स के साथ देख रखा है। लेकिन फिर भी भाई, जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो, यहां पे आपको बेसिकली एक 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी शूटर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। सेंसर अगेन कौन सा होने वाला है, ये वाली बात खैर देखने वाली होगी, लेकिन हाँ 12 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको एक मेन शूटर, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और टेलीफोटो लेंस का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो कैमरे की कहानी कुछ ऐसी होने वाली है इस फोन के साथ। 5000 mAh की बैटरी इस फोन के साथ एक्सपेक्टेड है। साथ ही साथ दोस्तों, इस फोन के साथ एक और काफी कमाल की बात यहाँ पे ये होने वाली है कि ये फोन बेसिकली एक 45 वॉट का चार्जर सपोर्ट करने वाला है। तो ये कुछ काफी कमाल की बातें थी इस फोन के बारे में, जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब फ्यूचर में इस फोन से रिलेटेड कुछ भी नया निकल के आता है भाई, सारी चीजों के बारे में आप लोगों को इसी चैनल पर सबसे पहले वीडियो देखने को मिल जाएगी। और उसी के लिए करना पड़ेगा आप लोगों को सब्सक्राइब इस चैनल को, लाल वाले बटन को दबा के, मैं इसी लाल वाले बटन की बात कर रहा हूँ, नोटिफिकेशन बेल को भी भाई ऑन कर देना। और वीडियो अगर पसंद आई है तो भाई वीडियो पे चिपका देना एक लाइक। और चलो फिर मैं मिलता हूं आप लोगों से किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।